आज हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर्स। आप डेली हम डिफरेंट टाइप कोई क्वेश्चंस के थ्रू गो थ्रू होते हैं। जैसे एक इक्वेशन है एक्स प्लस टू इक्वल टू 13, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा एक्स इक्वल टू 13 माइनस टू इक्वल टू 11। तो जो 11 है ये एक नेचुरल नंबर है। अभी इसी जगह पे अगर एक इक्वेशन होती x प्लस 5 इक्वल टू 5, तो आंसर आता x इक्वल टू 5 माइनस 5 0। तो 0 जो है ये एक होल नंबर है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 1 से एंड तक जाता है, इन्फिनिटी तक। हमारे जो होल नंबर्स होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 0 से और ऐसे जाते हैं इन्फिनिटी तक। अब इसके बाद अगर एक क्वेश्चन आती है x प्लस 18 इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 माइनस 18 इक्वल टू माइनस 13। जो माइनस 13 है वो आप देख सकते हैं कि ना तो वो इस नेचुरल नंबर की रेंज में आ रहा है ना होल नंबर की रेंज में आ रहा है, क्योंकि एक नेगेटिव वैल्यू है। तो इसको हम बोलते हैं इंटीजर्स। तो जो इंटीजर्स होते हैं वो आते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। मतलब आपका एग्जांपल के लिए माइनस 100 टू प्लस 100 या 200 लिख लो। ओके, अभी ये तो हो गए हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स। अब अगर कुछ इक्वेशंस ऐसी भी आती हैं जैसे 2x इक्वल टू 3, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा x इक्वल टू 3 बाई 2। या अगर इक्वेशन है 5x प्लस 7 इक्वल टू 0, तो 5x इक्वल टू माइनस 7, x इक्वल टू माइनस 7 बाई 5। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये फ्रैक्शंस में आया है, जो आंसर आया है फ्रैक्शंस में आया है 3/2 माइनस 7/5। तो ये आपके होते हैं रेशनल नंबर्स, जहाँ पे वैल्यू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दी गई है। तो इनका वैल्यू जो जब इनको सॉल्व करेंगे तो आंसर जो आता है वो डेसिमल्स में आता है। तो आपका